दोस्तों, आप लगातार कावड़ियों के वीडियो तो काफी सारे देख रहे हैं, लेकिन कावड़ियों के लिए आज हम आपको ऐसी वीडियो दिखाएंगे जहां पर कावड़िया आसानी से अपना आराम कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं यहां से सीधा जो कावड़िया आ रहे हैं थक जाते हैं, तो यहां पर पतंजलि द्वारा उनके लिए आराम करने की व्यवस्था रखी गई है, खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे हरिद्वार के जो कावड़िया बेचारे थक जाते हैं यहाँ पर अपने कलश को रखने के बाद, ये देखें यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी रखी गई है। तो वीडियो को शेयर कर दो, पेज को फॉलो कर दो। ये देखें यहाँ पर किस तरीके से कितनी अच्छी व्यवस्थाएं कावड़ियों के लिए रखी गई है, ये देखें दोस्तों। और काफ़ी सुंदर सुंदर कावड़ियों ने कावड़ सजाई हुई है, पूरा मेला लगा हुआ है। हरिद्वार कावड़ मेला इस बार बहुत ही सुंदर भव्य लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर रुकने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी भलों के लिए की गई है। और जितने भी हमारे भोले भाई हैं वो आसानी से पतंजलि द्वारा ये घर बनाया गया है जहाँ पर कावड़िए आसानी से आराम कर सकते हैं। ये देखिए कावड़ियों के रुकने के लिए उनके पंखे के लिए, ताकि पंखे से अच्छे से रुक सके। तो ये देखिए भाइयों पूरी व्यवस्था है कावड़ियों के लिए यहाँ पर, ये पूरा पतंजलि फेज टू के सामने यहाँ पर रखी गई है। तो इस तरीके से पूरी लगातार कावड़ यात्रा लगातार चल रही है, ये देखिए। और यहाँ पर कैंप भी लगाए गए हैं, किसी भी प्रकार की किसी भी दवाई की दर्द की किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूरी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। दवाई वगैरह मल्लम ट्यूब वगैरह पतंजलि द्वारा यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पर हजारे सारे बैठे हुए हैं, यहाँ पर लगातार किसी भी चीज़ की दवाई की, किसी भी तरह किट की, बैंडेड की कोई भी आवश्यकता हो तो यहाँ पर लगातार ये सेवा की जा रही है। पिडाम का तेल वगैरह और पूरी टीम यहाँ पर, और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पूरा यहाँ पर किया जा रहा है। बाकी इनसे बातचीत करते हैं तो वीडियो को शेयर कर दो। और ये देखिए तो ये सारा निःशुल्क हो रहा है, निःशुल्क है पूरा सारा, पूरी व्यवस्था रखी जा रही है, पूरा निःशुल्क है, सिर्फ सेवा भाव से, सेवा भाव से। तो डॉक्टर जी बता रहे हैं सेवा भाव से सारा निःशुल्क लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ये देखें यहाँ पर सारे कावड़ अपने कावड़ को यहाँ पर आ सकते हैं, इसलिए रखी गई है। कावड़ यहाँ पर रखे और ये देखिए सुंदर कावड़ सजाई, ये भोले ने बहुत ही सुंदर कावड़ सजाई है। ये देखिए भाइयों लाइटिंग के साथ बहुत ही सुंदर चमकदार कावड़ बनाई हुई है, ये देखिए आप। तो ये अच्छी अच्छी चीज भी दिखानी चाहिए, कावड़ियों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था सुविधा है कि चोट लग जाए, दर्द मरद कुछ भी हो, खाने पीने रहने के भाई यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, वो भी निःशुल्क तरीके से चल रही है। और बाकी कावड़ देखे भाई कितनी सुंदर, शिव भगवान की कावड़ कावड़े सजाई है डीजे के साथ, ये देखिए डीजे के साथ बहुत सुंदर। कावड़ियों के लिए खाने पीने की, रहने की, नहाने की इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो आप वीडियो को दबा के शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कावड़ियों को उनकी कावड़ रखने के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई है, नहाने की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी की गई है। कावड़िया आसानी से यहाँ पर नहा सकते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी जिस तरीके का चाहिए। देखिए भाई ऐसी व्यवस्थाएँ कावड़ियों के लिए कितनी अच्छी की गई है। मेरा इस वीडियो में जो दिखाने का मकसद मेन है कि कावड़ियों के लिए इस तरीके से अच्छा काम आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। बहुत से लोग सिर्फ बात बकवास बकवास करते हैं, बात कोई भी बेचारा सेवा नहीं करता। ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी सेवा की गई है जो भी आपको दिखाई जा रही हैं। तो इन सेवाओं को आप हमें जरूर बताएं, हमारे द्वारा आपको प्रयास किया गया है। जो भी कावड़ी हरिद्वार से आता है लगभग 15-20 किलोमीटर दूर बाद यहाँ पर पतंजलि पर अपने खाने पीने के रहने की व्यवस्था है, निःशुल्क है। आप इनका आनंद लें, रुकें, खाएँ पिए, उसके बाद अपना आगे का मार्ग करें। तो ये जानकारी आप लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि अन्य कावड़ियों को भी पता लगे। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ, पतंजलि पर जो कावड़िया भाई आ रहे हैं उनके लिए खाने की पीने की रहने की चोट दर्द मरज नहाने की सारी व्यवस्थाएं फ्री रखी गई हैं। जो भी कावड़िया भाई आता है आराम से आए, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर डॉक्टर भी हैं, सारी व्यवस्थाएं इनके लिए रखी गई है। ये जानकारी सारे से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य कावड़ भाइयों को भी ये जानकारी मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही प्राइस था, वीडियो को शेयर कर दो, पेज को फॉलो कर दो। धन्यवाद।